हम करेंगे टी सी ए साइकिल या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है जो पायरोट है सबसे पहले तो हमें एसिटाइल को एनजाइम ए चाहिए ठीक है तो पायरोवेट कन्वर्ट uh, होता है एसिटाइल को एनजाइम ए में और विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ पायरोट डीहाइड्रोजनेस एनजाइम ओके यहाँ पे एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव जो है रिलीज़ हो रहा है एनर्जी हमारे पास एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव रिलीज हो रहा है और यहाँ पे सी ओ टू भी रिलीज़ हो रहा है ठीक है तो ये थ्री कार्बन कंपाउंड टू कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो पायरोवेट से एसिटाइल को एनजाइम ए बनेगा और एनर्जी की फॉर्मेशन होगी और कौन सी एनजाइम यूज़ होगी पायरबेटिहाइड्रोजनेस अब जो एसिटाइल को एनजाइम ए है वो ऑक्जैलो एसीटेट के साथ मिलके क्या बनाएगा सिट्रेट एसीटाइल को एनजाइम ए और एसिडेट मिल क्या बनाएंगे सिट्रेट ठीक है सिट्रेट और यहाँ पे कौन सी एनजाइम यूज़ होगी नॉर्मली सिट्रेट सिंथेस ठीक है एसिटाइल को एनजाइम ए और ऑक्जेलो मिलके मिल बनाएंगे सिट्रेट विद हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेस और यहाँ पे को एनजाइम ए जो है रिलीज हो जाएगा इधर अब सिट्रेट के बाद हमारे पास सिस एकोनीटेट बनेगा सिस एकोनिटेट जो है एकोनीटेस एंजाइम की मदद से बनेगा सिट्रेट के बाद सिस एकोनीटेट सिस एकोनिटेट तो एकोनीटेस की मदद से ही बनेगा और वाटर यहाँ पे रिलीज होगा ठीक है इसके बाद सिस एकोनीटेट के बाद हमारे पास आइसोसिट्रेट बनेगा सिस एकोनिटेट के बाद क्या बनेगा आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट किसकी मदद से बनेगा एकोनिटेस की मदद से और यहाँ भी वाटर रिलीज होगा सीसेकोनिटेट के बाद बनेगा आइसोसिट्रेट अब आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्जैलो बनेगा किसकी मदद से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की मदद से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की, आइसो की मदद से तो अब डिहाइड्रोजनेस यूज हो रही है यहाँ पर ठीक है और सिट्रेट से हम आइसोसिट्रेट से हमारे पास ऑक्जैलो सक्सीनेट बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी भी बन रही है एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव की फॉर्म में ठीक है तो ऑब्जेलो सक्सीनेट, के बाद, again, सक्सीनेट है, है? तो के बाद हमारे पास अल्फा कीटोगलूटरेट बन रहा है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस की अगेन हेल्प से और यहाँ सी ओ टू रिलीज हो रहा है ऑब्जेलो सक्सीनेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बन रहा है ठीक है तो अब अल्फ़ा कीटोगलूटरेट के बाद हमारे पास सक्सीनाइल को एनजाइम ए बनेगा विद हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस और यहाँ भी हमारे पास एनर्जी बनेगी एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव और सीओ टू रिलीज होगा ठीक है अब सक्सीनाइल को एनजाइम ए ये सक्सीनेट बनाएगा सक्सीनेट थायोकाइनेस की मदद से और यहाँ जी टी पी की फॉर्मेशन होगी जी टी पी भी एक ए टी पी की तरह ही एनर्जी की फॉर्म है ठीक है तो सक्सीनाइल को एनजाइ में को ए भी रिलीज़ हो जाएगा और सक्सीनाइट को सक्सीनाइल को ए से सक्सीनेट बनेगा ओके अब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनेगा सक्सीनेट नेट की मदद से और यहाँ पे फो फ्यूमरेट जब बनेगा तो एफ ए डी एच टू भी रिलीज होगा एफ़ ए डी एच टू भी एक एनर्जी की फॉर्म है ओके जिससे ई टी सी से हमें वन पॉइंट फाइव ए टी पी मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एफ टू से फ्यूमरेट के बाद हमारे पास मैलेट बनेगा फ्यूमरेस की मदद से फ्यूमरेट के बाद हमारे पास मैलेट बनेगा फ्यूमरेस की मदद से वाटर रिलीज होगा और ठीक है तो मेलेट के बाद क्या बनेगा मैलेट के बाद मैलेट के बाद हमारे पास ऑक्जैलो एसीडेट बनेगा ठीक है अगेन हम पूरी साइकिल हम करके आए हैं तो हम फिर से ऑक्जैलो एसीडेट के पास आ गए तो मेलेट से ऑक्जैलो एसीडेट बनेगा हेल्प ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजनेस ठीक है यहाँ भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी मैलेट ऑक्जैलो में एन प्लस एच पॉजिटिव की एनर्जी हमें मिलेगी जो हमें टीसी में टू पॉइंट देगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर उसके बाद जो ऑक्जैलो है और एसिटाइल को एनजाइम है वो मिलके हमारे पास अगेन सिट्रेट बना लेंगे और पूरी साइकिल वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी अब एक हमारे पास यहाँ पे समरी है समरी किसकी टी सी की समरी ओके इसमें क्या है कि जब एसिटाइल को ए से हमने स्टार्ट किया तो हमें तीन एंड पॉजिटिव हमने यूज़ किए एफ ए डी यूज़ किया जी डी पी यूज़ किया इनऑर्गेनिक फोस् फोस्फेट यूज़ किया और टू वाटर यूज़ किए ठीक है तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बने हैं हमें टू टू सी ओ टू थ्री एन ए डी एच प्लस थ्री एच पॉजिटिव प्लस एफ ए डी एच टू प्लस जी टी पी प्लस को एनजाइम ए अब इसके बाद हम एनर्जेटिक्स भी करेंगे टी सी साइकिल के तो हम देखते हैं कि हमारे पास वन एसिटाइल को एनजाइम ए से कितने ए टी पी बनते हैं ठीक है तो एक एन ए डी एच जो होता है वो टू पॉइंट फाइव ए टी पी देता है तो तीन एन एड डी पी एच टू पॉइंट फाइव कितना होगा हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल मिल तो यहाँ पे हमें थ्री एन से हमें सेवन पॉइंट फाइव ए मिलेंगे ठीक है अगर हमें एक एन ए डी एच टू पॉइंट फाइव ए देता है तो तीन एन ए डी एच हमें सेवन पॉइंट फ़ाइव ए देंगे और उसके बाद एफ ए डी एच टू हमें वन पॉइंट फाइव ए देगा ठीक है वन पॉइंट फाइव ए और जी जो है ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ए के इक्विलेंट होता है तो टोटल कितने हो गए हमारे पास टेन ए टी पी टेन ए टी पी हमें वन एसिटाइल को से मिलते हैं अब विटामिन का क्या काम होता है जो थाइमिन रबोफ्लेविन नियासिन पेंटोथिनिक एसिड है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से है ये ये कैसे यूज़ होते हैं एक में थायमिन जो है वो थायमिन बायरोफेट एज अ कोजाइम यूज़ होता है राइबोफ्लेविन एफेडी की फॉर्म में यूज़ होता है नेयासिन जो है एन पॉजिटिव की फॉर्म में यूज़ होता है पेंटोथिनिक एसिड कोएंजाइम एनजेमे की फॉर्म में यूज़ होता है ठीक है तो ऐसे विटामिन यूज़ होते हैं साइकिल में इसके बाद इनिबिटर्स क्या है साइकिल के सबसे पहले एकोनिटेज को कौन इनिबिट करता है फ्लोरोसिटेट नॉन कम्पटिटिव इनिबिशन से ठीक है फ्लोरोसिटेट से इनिबिट होता है एकोनिटेज एंजाइम अल्फा कीटोग्लूड्रेट डीहाइड्रोजनेस आरसीनेट से नॉन कम्पिटेटिव फॉर्म में जो है वो इनहिबिट होता है अल्फा कीटोगलूटरेट आर्सिनेट से नॉन कम्पिटेटिव फॉर्म में इनहिबिट होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस मेलोनेट से कम्पिटिटिव इनहिबिशन से इनहिबिट होता है ओके सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस मेलोनेट से कम्पिटेटिव इनिबिशन होती है अल्फ़ा क्लूट कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस की आर्सीनेट से नॉन कम्पटेटिव फॉर्म में इनहिबिशन होती है एकोनीटेस की फ्लोरोसिटेट से ए का होना बहुत ज़रूरी होता है ए का अब ए की अवेलेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है साइकिल के होने के लिए ठीक है पाइरोवेट से एसीडाइलको एनजाइम में जो होती है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकती ठीक है और ऑक्जैलो एसिटेट से सिट्रेट जब बनता है ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है ओके और हमारे पास जो ओक्जैलो से अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बनता है ये भी इरिवर्सिबल रिवर्सिबल है और अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से सक्सीनाइल को एनजाइमे भी रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल ठीक है और सक्सीनाइल को एनजाइमे से सक्सीनेट भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है तो बाकी सारी जितनी बची वो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं इनको छोड़ के बस इन चार रिएक्शंस को छोड़ के बाकी जो बची वो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं अब टी सी ए में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है डायरेक्टली तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एन और एफ से जब हम आ, ए बनाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होती है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए टी सी ए साइकिल जो है वो एम्फीबोलिक नेचर की होती है मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक बोथ ओके और जो जैलो एसिडेट और अल्फा कीटो कीटोग्लूटरेट है वो प्रिकर्शन होते हैं सिंथेसिस के एस्पार्टेट और ग्लूटेट के और जो सक्सनाइल को एनजाइम है ए है वो सिंथेसिस करवाता है पोफाइरस की और हीम की अब जो माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट है वो आ, वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द साइटोसोल और वेयर इट इज क्लिव टू प्रोवाइड एसिटाइल को एनजाइमे ठीक है तो सिट्रेट से हमारे पास एसिटाइल को बनता है फोर्थ बायोसि बायोसिंथिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टीरोस ओके एनाप्ल्यूरोसिस और एनाप्ल्यूरोटिक रिएक्शंस क्या होती है रिएक्शंस कंसर्न टू रेपलिश और टू फिलअप द इंटरमीडिएट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल उसको बोलते हैं एनाप्लोरेटिक रिएक्शन और एनाप्लोरिसिस जो इंटरमीडिएट को फिल करती हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में जैसे कि हमारे पास पायरोड से ऑक्जेलो एसिडेट बनना और पायरोट से मेलेट बनना ठीक है कुछ ट्रांस रिएक्शन होना जहाँ पे कि अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होते हैं टू अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करते हैं अपना अमाइनो ग्रुप टू कीटो एसिड और खुद वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटो एसिड में ठीक है फॉर्मेशन ऑफ जैसे कि अल्फ़ा कीटोग्लूटोरेट और ऑक्जेलो एसिटेट अक्कर बाय ट्रांसामिनेशन तो ये इस डायग्राम में हमें जो हमने थ्योरी में देखा वही इधर साइकिल में शो किया गया है ऑक्जैलो एसिटेट से पायरोवेट मैलेट से पायरोट से हीम, सिट्रेट से फैट फैटी एसिड और स्टीरोस अल्फ़ा कीटोग्लूटोरेट से ग्लूटामेट और नॉन एसेंशियल माइनो एसिड थ्रू ट्रांसमिने ट्रांसएमिनेशन